गाइस सैमसंग ने लास्ट मंथ गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया था, जो कि 4G कनेक्टिविटी के साथ में लॉन्च हुआ था। वहीं गाइस अब इस स्मार्टफोन के 5G वेरिएंट के मॉडल नंबर को इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट कर दिया गया है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन का जो 5G वेरिएंट है गाइस, वो हमें इंडिया में बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के सभी डिटेल्स के बारे में। तो उम्मीद है कि गाइस ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही यार अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको ऐसे ही कमाल की टेक वीडियोस मिलती रहे। गाइस अभी वैसे तो कोई भी कंफर्म स्पेसिफिकेशन निकल कर सामने नहीं आई है इस स्मार्टफोन को लेकर, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि गाइस सैमसंग आपको इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक के प्रोसेसर को ऑफर करने वाला है, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर है गाइस, उनकी ग्लोबली शॉर्टेज का इशू चल रहा है। तो हो सकता है कि सैमसंग इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का कोई 5G चिपसेट को ऑफर करे, जिससे कि इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है गाइस, वो भी हमें कम देखने को मिल सकती है अगर सैमसंग इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक के प्रोसेसर को ऑफर करता है। तो वहीं डिस्प्ले की बात की जाए तो गाइस सैमसंग इस स्मार्टफोन में आपको LCD डिस्प्ले ऑफर करने वाला है फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, और आपको इस स्मार्टफोन में कोई भी हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस जो सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन है उसमें भी जो है सैमसंग ने HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में सुपर AMOLED डिस्प्ले को ऑफर किया है। तो गाइस यहां पर हो सकता है कि सैमसंग इस स्मार्टफोन में आपको LCD डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में या फिर HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में एक AMOLED डिस्प्ले को ही ऑफर करने वाला है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी आपको जो है इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकती है, जो कि आएगी 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। और इस स्मार्टफोन में गाइस आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जो कि होगा 48+8+2+2 मेगापिक्सल का। वहीं सेल्फी के लिए आपको इस स्मार्टफोन में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा, जो कि आएगा इन्फिनिटी वी कट डिज़ाइन के साथ में। वहीं इस स्मार्टफोन में गाइस आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और गाइस ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बेस्ड होगा सैमसंग के UI 3.1 पर। तो गाइज ये सारे फीचर्स आपको जो है इस स्मार्टफोन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात की जाए इस स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में, तो गाइज इस स्मार्टफोन का जो लॉन्च है वो हमें सितंबर के मंथ तक देखने को मिल सकता है इंडिया के अंदर। वहीं प्राइस की बात की जाए तो गाइज इस स्मार्टफोन का जो बेस वेरियंट होने वाला है, इसकी प्राइस हमें 18,000 रुपये के आसपास देखने को मिल सकती है। बाकी देख लो गाइज जब सैमसंग इस स्मार्टफोन को इंडिया में ऑफिशियली अनाउंस करता है तब इसकी क्या प्राइस रखता है। तो गाइज ये थी सैमसंग गैलेक्सी M32 5G स्मार्टफोन की सभी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं दोस्तों आपको किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।